हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे स्पॉटिफाई से सॉन्ग्स डाउनलोड करें और वो भी बिना प्रीमियम के। तो इसके लिए हमें जो ऐप्स लगेंगे उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और मैं आपको रेफर करूंगा कि आप स्पॉटिफाई का मोड ईपीके यूज़ कीजिए, स्पॉटिफाई प्रीमियम, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सुनते हैं तो उसमें एड्स नहीं आती। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने अभी अपनी वेबसाइट बनाई है, आप वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ। और जो भी अगर आपको डाउट वीडियो में लगता है तो मैं ब्लॉग्स में डिस्क्रिप्शन में और भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो सबसे पहले आप स्पॉटिफाई ऐप खोलिए और यहाँ पे आप कोई भी एक सॉन्ग या फिर कोई भी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। हम ऐसी ट्रिक करने वाले हैं कि हम सीधा सिर्फ शेयर करेंगे स्पॉटिफाई के सॉन्ग या प्लेलिस्ट को और वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से सीधा हम शेयर करेंगे एक ऐप में। तो सबसे पहले आप एक ऐप है टर्मक्स, उसे खोलिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। और टर्मक्स खोलने के बाद आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये ऐप फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो ये थोड़ा टाइम लगा सारी चीज़ें कन्फिगर करने में। तो 1-2 मिनट के लिए आप फ़ोन छोड़ दें, जैसे ही हो जाए फिर मैं कुछ कमांड्स आपको बताऊंगा, वो आपको कमांड्स वही टाइप करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन खुल आई है, तो अब मैं जो कमांड आपको बताता हूँ आप भी इसमें टाइप कीजिए, ये एंड्रॉयड टर्मक्स के लिए। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस FFMPEG और आप एंटर दबा दीजिए। तो ये एक पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ये पैकेज थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो आप ये पैकेज को इंस्टॉल होने दीजिए, लेकिन ये पहले परमिशन मांगेगा येस और नो के लिए, क्योंकि ये कुछ 19 से 20 MB तक का डाउनलोड होता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं 19.5 MB डाउनलोड हो रहा है और स्टोरेज स्पेस आपको करीब 200 MB जितनी चाहिए होगी। आप वाई पे क्लिक करके एंटर दबा दीजिए और आप अब अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी कोई सॉन्ग नहीं है, तो मैंने ये अपना प्ले म्यूज़िक ऐप है इस पर खोला, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अभी कोई सॉन्ग नहीं है प्ले करने के लिए इस डिवाइस में मेरे। तो आप टर्मक्स खोलिए और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक साइट के लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाइए, और ये जो मॉड्यूल है वो स्वप्निल सोनी ने बनाया है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो अब आप यहाँ पे लिखिए व्यू ऑल ऑफ रीड मी डॉट एम डी, इस पर आप टैप कीजिए और नीचे जाइए, आपको एक एंड्रॉयड टर्मक्स नाम का एक बॉक्स मिलेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा है, एंड्रॉयड टर्मक्स नाम का एक जो बॉक्स है उसके अंदर सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक मत कीजिए, नहीं तो पूरे पेज में जितना भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे मैन्युअली सेलेक्ट कीजिए पूरी लिंक को या फिर टेक्स्ट आप जो भी कहें, और इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए और अब आप टर्मक्स में चले जाइए। अगर टर्मक्स में जैसे इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा तो एक डॉलर का साइन आ जाएगा नई लाइन में फर्स्ट पे, उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन ख़त्म हुआ नहीं है तो आप इस इंस्टॉलेशन को अभी होने दें थोड़ी देर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो प्ले म्यूज़िक है वही यूज़ करें म्यूज़िक प्ले करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसे भी है जिसमें ये डाउनलोडेड चलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये हमारा जो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है, अब हम यहाँ पे एंटर मारेंगे पेस्ट करके लिंक को। तो अब ये भी इंस्टॉल होगा, ये भी कुछ उतना ही डाउनलोड होगा, 19-20 MB, और फिर 100 MB की हमें स्पेस चाहिए होगी। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा हमें परमिशन मांगेगा स्टोरेज स्पेस की, तो आप वो अप्रूव कर देना। और एक चीज़, अगर आप में ऐसा आता है वार्निंग वगैरह ऐसा कुछ आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये हर बार आता है, हर बार इंस्टॉलेशन में आता है। अब आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे परमिशन मांगा स्टोरेज की, तो आप अलाउ कर दीजिए, क्योंकि डाउनलोड होके सॉन्ग जो है इसमें डिवाइस में स्टोर होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे डाउनलोड करना है। मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा कि वैसे अगर हम यहाँ से सीधा शेयर करेंगे तो एक हमारे जो SD कार्ड है यानी लोकल स्टोरेज, उसमें सॉन्ग्स नाम के फोल्डर में स्टोर होगी। लेकिन अगर आपको सॉन्ग्स नाम के फोल्डर नहीं, कोई और फोल्डर में स्टोर करना है, तो वो भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा, क्योंकि
यहाँ से हम सीधा कॉपी करेंगे तो सॉन्ग्स नाम के फोल्डर में होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर सॉन्ग्स नहीं और कोई म्यूजिक फोल्डर में डालना है तो कैसे करेंगे, और ये भी कि अगर यहाँ से डायरेक्ट में सीधा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करके हम सीधा यहाँ पे टर्मक्स पे शेयर करेंगे। टर्मक्स से शेयर करेंगे तो टर्मक्स में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे ऊपर जो क्रिएटर है इस मॉड्यूल का, स्वप्निल सोनी, उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अभी सर्चिंग आया। अब यहाँ पे सॉन्ग का नाम और पीछे आर्टिस्ट का नाम भी आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे में इंस्टॉल नहीं हुआ। ज़्यादातर डिवाइसेस में ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जिनमें नहीं होगा उसका सोल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ। अगर ये आपका यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपको सॉन्ग्स नाम के फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये ऐसी ट्रिक काम ना आए या फिर आपकी जो डिजायर्ड लोकेशन है आपको वहाँ पे सॉन्ग इंस्टॉल करना हो, तो आप शेयर पे क्लिक कीजिए और सिंपली यहाँ से लिंक को कॉपी कर लीजिए। अब आप वापस जाइए यहाँ पर, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें फिर से एकदम अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्पॉटिफाई डीएल। तो यहाँ पे अब हम स्पॉटिफाई डीएल स्पेस के बिना लिख देंगे, और स्पेस के बाद हम जो हमने लिंक कॉपी की थी सॉन्ग या फिर प्लेलिस्ट की, उसको पेस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से एंटर मारते हैं तो सॉन्ग्स नाम के फोल्डर में से होगा, लेकिन अगर आपको डिजायर्ड लोकेशन पे करना है तो आप स्पेस के बाद माइनस ओ लिखिए, -0 नहीं माइनस ओ लिखिए, और स्पेस दीजिए और एक फॉरवर्ड स्लैश लगाइए। उसके बाद आप एसडी कार्ड में लिखिए, और एसडी कार्ड लिखने के बाद और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको जो फोल्डर में सेव करना है उसका एड्रेस डाल दीजिए, और अगर आप एड्रेस डालने के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश एंड में लगाना पड़ेगा। आप कोई भी एड्रेस डालिए आपको एंड में फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वही एरर आ जाएगा एक। तो मैं फिलहाल एसडी कार्ड में ही करूँगा, और मैं भी आपको रेफर करूँगा एसडी कार्ड में कीजिए, सॉन्ग जल्दी मिल जाएंगे। एंटर दबा दीजिए तो अब वही होगा, यहाँ पे सॉन्ग सर्च होगा और आप देख सकते हैं आर्टिस्ट का नाम सॉन्ग आ गया है। तो अब ये यहाँ पे डाउनलोड होगा। सॉन्ग का जो डाउनलोडिंग साइज़ होगी वो छोटी होगी, लेकिन जब आप फाइल एक्सप्लोरर में सॉन्ग को देखेंगे तो वो साइज़ थोड़ी बड़ी होगी। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मॉड्यूल में जो आप सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है तो वो यूट्यूब से लिंक फेच करेगा। मैंने यूट्यूब में, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सॉन्ग इस मॉड्यूल में नहीं है, तो वो इस सॉन्ग की वीडियो फाइल से MP3 को डाउनलोड कर लेगा यूट्यूब से, और वो MP3 आपके फ़ोन में स्टोर हो जाएगी। मतलब आपका सॉन्ग 100% डाउनलोड हो ही जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोडिंग हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो जैसे डाउनलोड खत्म होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि प्ले म्यूजिक में दिखेगा नहीं जल्दी से, आपको कट करके कोई और फोल्डर में डालना पड़ता है या फिर फाइल के डायरेक्टली चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि डाउनलोड जो हमारा है कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्ले म्यूजिक में जो है वो जल्दी से पहले फाइल नहीं मिलती। तो आप टर्मक्स को क्लोज कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो ऊपर से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में मैं प्ले म्यूजिक से अगर यहाँ से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं सॉन्ग जो है वो हमारा यहाँ पे चलेगा। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग जो चल रहा है। ऐसे ही आप पूरी प्लेलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्ले म्यूजिक में देखते हैं तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले म्यूजिक मैंने आप रिफ्रेश किया था, प्ले म्यूजिक में वो नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो वो फाइल है कट करके कोई और फोल्डर में डाल दीजिए, और फिर आप वापस भी कर सकते हैं, बाहर ला दीजिए। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो है मैं यहाँ पे कट कर दिया, और म्यूजिक नाम के फोल्डर में मैंने यहाँ पे सॉन्ग पेस्ट कर दिया। तो अब मैं प्ले म्यूजिक को भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, और वापस मैं प्ले म्यूजिक ऐप यहाँ से खोलूँगा। तो आप देखना कि आप देखिए कि अब यहाँ पे हमारा जो है वो आ गया है सॉन्ग। तो यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं सॉन्ग को। मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी मॉड्यूल में सॉन्ग नहीं है वो यूट्यूब से उसकी लिंक फेच करेगा, MP3 में डाउनलोड करके आपके फ़ोन में स्टोर करेगा। इसलिए यूट्यूब के सॉन्ग्स के पास अक्सर पीछे उनका आउट्रो या इंट्रो होता है, तो उसके भी साउंड आ जाएगा। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है कि आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए जिसका मैंने एंड में एंड स्क्रीन दे रखा है, वीडियो की लिंक दे रखी है। और